सारे भाई ने राम राम। दोस्तों में प्रदीप संधु भाई, आज पहुंचे हम लोग गांव रामराय जींद में। यहां पर किसानों के द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर 25 तारीख को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, उसी के तहत अभी रोड जाम किया गया है। और आप लोग पीछे देख सकते हैं, यहां पर विरोध प्रदर्शन है, यानी कि बैठे हैं रोड पर और रोड जाम किया गया है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है मनदीप डांडा, युवा आइकन है जो अभी अभी। मनदीप भाई राम राम। राम राम जी सारे भाई, राम राम भाई। और मनदीप भाई, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या सिस्टम है, क्यों चल रहा है ये धरना? जो बीजेपी सरकार ने जो 3 अध्यादेश लेकर आई है, ये सरासर किसान की गले में फांसी डालने का काम है। इसे किसान का कोई अगेत बसे बंद होने वाला है। कहीं तो बात हम करते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट की, कहीं हम बात करते थे किसान कर्जा मुक्ति की, इन बातों के पीछे के सरकार MSP तोड़ने की ओर बढ़ रही है। किसान पहले ही मरा हुआ है, तो इसको किसान को सरकार बिल्कुल दबाने का काम कर रही है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, जो कानून है इन्हें कोई फायदा नहीं है। ये टकोसले हैं, चाहे दुष्यंत जो हरियाणा में जो मौजूदा सरकार बना रखी बीजेपी के साथ मिलके, इनको खुद भी राजनीति त्याग करके किसानों के साथ आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, और जो दुष्यंत के अब बयान आया, वह MSP से कम में खरीदेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? अब फिलहाल मंडी में आपको बताना चाहूँगा मैं, जो PR-GERI है इसका 1840 MSP रेट है, 800 रुपये में पीट रहा है। अब कहाँ है दुष्यंत? जो बाजरा है उसका MSP 2100 रुपया है, तो 1300-1400 रुपये में बाजरा पिट रहा है। गेहूं देख लीजिए आप, 1925 रुपये इसका MSP है, 1400-1500 रुपये में पिट रहा है। तो जो MSP है, मतलब कि MSP पे अभी कुछ भी नहीं, कोई खरीद नहीं हो रही, सरकार ड्रामेबाजी कर रही है, किसान को बहकाने काम कर रही है। और जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भाई, जितना भी हो रहा है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, किसानों का आंदोलन नहीं है यहाँ, सड़कों पर कोई विपक्ष नहीं आया है, यहाँ बिल्कुल आम किसान आया हुआ है। देखिए, ये तो हमें बांटने केस कर रहे हैं, 70 सालों से हमें किसानों ने सारी पार्टियां देख ली, किसी ने भी किसान हित ऐसी बात नहीं की है। ये तो हमारे ऊपर रंग लगाने काम कर रही है भाई, ये कांग्रेस की बेट बना रखी हम तो, ये कांग्रेस की बेट है भाई, ये देवलाल की बेट है भाई, ये भाजपा की बेट है, तो ये सिर्फ बड़ाने काम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने काम कर रहे हैं। और जो गांव मुडलाना बरोदा हल्के में किसानों के द्वारा यानी कि विरोध प्रदर्शन किया गया, काले झंडे दिखाए गए, JP दलाल को जो कृषि मंत्री है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो मामला हुआ उसके बारे में ये कहना चाहूंगा उनको भाई, बड़ौदा चुनाव के लोगों से अपील करना चाहूंगा मैं भाई, कम से कम जो किसान के नाम पे बड़े बड़े वादे करके आपके बीच में गए थे, पहले भी गए थे, अब भी जो आ रहे हैं, इनको भाई आपने करारा तमाचा देना चाहिए। जैसे JP दलाल को, कृषि मंत्री को इन लोगों ने घेर के दिखा, तो BJP कोई भी मंत्री हो या दुष्यंत का कोई भी विधायक हो, तो उसको गांव में एंट्री नहीं होनी चाहिए बड़ौदा चुनाव में। और जितने विधायक बनाए हैं हमने, ये AC में बैठने के लिए नहीं बनाए हैं, अब किसान सड़कों पे खड़ा है, अब जरूरत है किसान को इन विधायकों की, जो हमने वकील चुन के विधानसभा में भेजे हैं, हमारे साथ आगे सड़क पे आर पार की लड़ाई लड़े। और जो किसानों का आंदोलन है, उसके आगे क्या उदाहरण रहने वाली है जो अभी चल रहा है? उसकी मीटिंग है पूरी भारतीय किसान संगठनों की दिल्ली के अंदर, तो वहाँ से एक बड़ा फैसला करेंगे, और आर पार की लड़ाई सरकार की ईंट से ईंट बजाने काम करेंगे, बाकी सारे किसान जितने भी भारतीय संगठन है सारे मिलकर एक सामूहिक फैसला करेंगे, तो आगे उस फैसले को बता दिया जाएगा। और ये जैसे गुरनाम सिंह चडोनी है, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं हरियाणा से, उस पर आरोप लगे हैं पैसे लेने के और ऐसा कुछ, उसको लेकर क्या कहना चाहूँगा? गुरनाम सिंह हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कहीं गन्ना आंदोलन की बात है, कहीं फसल खरीद बेच की बात है, गेहूं मंडियों में आपने देखा हो लगातार पूरे हरियाणा के अंदर घूमते रहते हैं, तो इन्होंने किसानों को संगठित करने का काम किया है। हमें पूरा विश्वास है, बुजुर्ग हैं बड़े मान सम्मान के योग्य है वो, हमें पूरा विश्वास है नौजवान युवा को बुजुर्गों को कि हमारी लड़ाई को ये पार पहुँचा सकते हैं, और हमारे जैसे संगठन भी है तो लगातार इनके साथ खड़े रहेंगे मरते दम तक। दुष्यंत चौटाला को लेकर किसानों का आने वाले टाइम में क्या रवैया रह सकता है? दुष्यंत चौटाला श्रीराम जैसे उनके दादाजी देवीलाल जी ने पद को त्याग करके किसानों के साथ खड़े थे, ये तो सिर्फ ही लोभ लालच के इंसान हैं। दुष्यंत चौटाला जो घर परिवार के नहीं हुए तो किसान समाज कहाँ से हो सकते हैं? आपने देखा भी होगा लगातार लोग दुष्यंत से इस्तीफा चाह रहे हैं, तो इनकी एक भी स्टेटमेंट इस्तीफे को लेकर नहीं आई है। जैसे पिपली कांड के अंदर लाठियां चार्ज हुई, तो अनिल विज जी कह रहे थे कि वो लाठियां चार्ज हुई नहीं है। दूसरे आपने दिग्विजय का बयान भी देखा होगा, दिग्विजय जी कह रहे हैं कि मैं कड़ी निंदा करता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर आपने खट्टर की स्टेटमेंट भी देखी होगी कि भाई कोई अगर किसान ट्रैक्टर चढ़ाए पुलिस वाले के ऊपर, तो उन्होंने लाठी चार्ज करना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। तो मैं दुष्यंत चौटाला से भी यही कहना चाहता हूँ, और कितनी बेइज्जती कराओगे? अब तो इस्तीफा देकर राजनीति का लोभ त्याग
करके आप सड़कों पे आइए, जिस नाम पे किसानों नाम पे आपने वोट लिए थे, जो देवलाल के नाम पे आपने वोट लिए थे, उनकी तो ऐसी नीतियाँ नहीं थी, वो जहाँ भी किसान के ऊपर जुल्म होता था वो बिल्कुल साथ आकर खड़े होते थे। तो इनसे भी यही मैं कहना चाहूँगा कि पार्टीवादी को छोड़कर आप इस्तीफा दे करके किसान के साथ सड़कों पर खड़े होइए, तो आप तब देवीलाल जैसे नेता बन सकते हैं। तो इनकी नीतियाँ पे ऐसे नहीं चलने वाले, आप तो बिल्कुल लोभ लालची इंसान हो। इस प्रकार से अभय चौटाला भी थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं, मैं मुझे ये लग रहा है कोई भी पार्टीवादी वाला सड़कों पे आकर के कोई सहयोग नहीं कर रहा है, ये सब एसी में बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। आप जैसे मीडिया वाले भाइयों को बस इंटरव्यू दे देते, इससे कोई काम नहीं चलने वाला। नेताजी पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी विधायक हैं, मैं कहना चाहूँगा, मैंने थोड़े दिन पहले 25 तारीख को विधायक राम कुमार गौतम का घेराव किया था और उनसे भी पूछा था कि भाई आप हमारे वोट लेकर के गए हुए हो, कम से कम आप किसान सड़कों पर है तो आप सड़कों पर आइए, हमारा समर्थन कीजिए। तो हरियाणा जितने भी विधायक हैं यही अपील है, बना रखी है भाई, हमने कोई बात नहीं बुरवाना नर्सिक आपसे। जब किसान के ऊपर लाठियां चल रही थी तो आप तब भी आप तमाशा देख रहे थे, आज किसान सड़कों पे है, किसानों को आपकी ज़रूरत है तो भी आप एसी में बैठ के तमाशा देख रहे हो। भाई आने वाला 5 साल के अंदर आपको ऐसा तमाशा दिया जाएगा, आप याद रखेंगे। और अपनी ओर से कोई अपील करना चाहते हो किसान? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, नौजवान भाइयों तो यह अपील करना चाहूँ भाई, मैं जितने भी नौजवान हैं, जिस भी हल्के के हैं, जैसे बड़ौदा के हैं, उचाणा के हैं, नारदुंद के हैं, कहीं के भी कैथल के हैं, जो ये अपने विधायक बना रखे हैं, कम से कम इनको सवाल तो पूछिए, 5 साल बाद आपके बीच में इन्होंने वोट मांगने आना है, कोई दद्दलाई विधायक नहीं बना रखे भाई। आज वो हमारे सुख दुख में नहीं खड़ा होगा तो हम गाँव में घुसने देंगे उन विधायकों को जो आत्मासा देख रहे हैं। ओके दोस्तों, ये थे हमारे साथ मनदीप डांडा। देखिए पीछे जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है अभी, और जो दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।